हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महा टीईटी 2021 के बारे में, जिसे हम महाराष्ट्र टीईटी 2021 भी कहते हैं। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र टीईटी 2021 के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे, लाइक उसका एप्लीकेशन फॉर्म कब रिलीज होता है, हम उस महा टीईटी 2021 के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, हम महाराष्ट्र टीईटी का एडमिट कार्ड किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, महाराष्ट्र टीईटी 2021 का एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है, उसका रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, हर एक चीज़ डिटेल में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे इस चैनल में आपको इंडिया के हर एक एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड एक वीडियो मिलेगा, और उस वीडियो में उस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के बारे में हर एक डिटेल इंफॉर्मेशन बताई हुई रहेगी। और हाँ, साथ ही साथ आप बेल आइकन बटन दबाना भी ना भूले, ताकि हम आपको अप टू डेट रख पाए। फॉर एग्जांपल, अगर महाराष्ट्र टीईटी 2021 का एडमिट कार्ड रिलीज होता है, या एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होता है, या रिजल्ट डिक्लेयर होता है, अगर उसका कोई भी इवेंट आता है, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको बता पाए कि ये चीज़ रिलीज हो चुकी है, या इसका महाराष्ट्र टीईटी 2021 का ये इवेंट आया हुआ है। तो उससे क्या होगा कि आप जल्द आपको सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र टीईटी 2021 का कोई इवेंट आया हुआ है, या उसका एग्जाम डेट रिलीज हुआ है, या कुछ भी। और साथ ही साथ वीडियो से आपको ये भी फायदा हो जाएगा कि अगर उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, तो आप वीडियो से ये भी जान लेंगे कि उसका एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से भरना है, या अगर उसका एडमिट कार्ड रिलीज हो रहा है, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि एडमिट कार्ड उसका किस तरह से डाउनलोड करना है। तो चलिए, अभी आइए हम शुरू करते हैं महाराष्ट्र टीईटी 2021 के बारे में और जानना। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको गूगल में जाके यहाँ पे सर्च करना है cteet.co.in, और जैसे ही आप सर्च करेंगे तो वहीं पे फर्स्ट रिजल्ट जो आएगा, आपको सिंपली वो वेबसाइट को ओपन कर देना है। मैं इस वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप डायरेक्ट वहां से भी जा सकते हैं। ये cteet.co.in एक ऐसी वेबसाइट है, एक इस तरह की एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, जहां पे आपको इंडिया के हर एक एंट्रेंस एग्जाम्स की फुल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे साइड में सर्च बार दिया हुआ है, आप जो भी एग्जाम के लिए डिटेल जानना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पे उसे टाइप कर दीजिए और एंटर दबा दीजिए, आपको उस एग्जाम की फुल डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि अगर मुझे महाराष्ट्र टीईटी मीन्स महा टीईटी के बारे में जानना है, तो मैं यहाँ पे महा टीईटी लाके एंटर कर देता हूँ, तो समझिए यहाँ पे उसका जो फुल डिटेल है वो ओपन हो जाती है। अब जैसे कि सबसे पहले आप यहाँ पे इसका टाइटल देख लीजिए, महाराष्ट्र टीईटी डेट्स एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न एडमिट कार्ड सिलेबस एंड रिजल्ट, मीन्स ये आर्टिकल में हम ये सब टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको महा टीईटी के बारे में थोड़े ओवरव्यूज बता देता हूँ, थोड़ी उसकी डिटेल दे देता हूँ कि अगर आप महाराष्ट्र में टीचर्स की जॉब करना चाहते हैं, तो ये कंपलसरी है कि आपको महा टीईटी मीन्स महाराष्ट्र टीईटी का एग्ज़ाम देना ही होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र टीईटी आपको पास करना कंपलसरी है। बिना महाराष्ट्र टीईटी पास किए आप महाराष्ट्र में टीचर्स की जॉब नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ये जो महाराष्ट्र टीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, ये दो लैंग्वेजेस में कंडक्ट होता है, एक इंग्लिश और सेकंड मराठी, ये सिर्फ ये दो ही लैंग्वेज में महाराष्ट्र टीईटी का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट होता है। अब महाराष्ट्र टीईटी मीन्स महा टीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करने का मेन पर्पस क्या है, तो इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि वो जो कैंडिडेट्स अपने आप को रिक्रूट करना चाहते हैं एज अ टीचर इन महाराष्ट्र स्टेट, तो वो उनके एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं कि वो इतने एलिजिबल है कि नहीं, कि वो जो स्टूडेंट्स को अच्छे से पढ़ा पाए या नहीं पढ़ा पाए, इसीलिए उनके एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, जो महाराष्ट्र टीईटी है वो टू लेवल एग्जामिनेशन है। टू लेवल एग्जामिनेशन मीन्स वो दो एग्ज़ाम दो पेपर्स में डिवाइड किया हुआ है, पेपर वन एंड पेपर टू। तो जो पेपर वन है वो होता है फॉर फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास, और फॉर पेपर टू है वो होता है फॉर सिक्स टू एट क्लास। मीन्स अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फॉर क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, तो आपको अप्लाई करना रहेगा पेपर वन के लिए, और अगर आप टीचर बनना चाहते हैं फॉर क्लास सिक्स टू एट, तो आपको अप्लाई करना रहेगा पेपर टू के लिए। और हाँ, अगर आप फर्स्ट टू एट दोनों क्लासों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप दोनों पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था शॉर्ट रिव्यू महा टीईटी के बारे में, कि महा टीईटी क्या है, क्या होता है, क्यों उसका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। अब हम जानेंगे कि जो महाराष्ट्र टीईटी के जो हाईलाइट्स है, जो मेन मेन पॉइंट्स है, जैसे कि उसका नाम हो गया, उसका फुल फॉर्म, टाइप ऑफ एग्जाम, वो सब जानेंगे।
तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हम जो एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम का नाम है महाटीईटी, उसका फुल फॉर्म है महाराष्ट्र टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके नाम से ही मालूम पड़ जाता है हमें कि ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। मैंने आपको ऊपर बताया कि ये एलिजिबिलिटी चेक करता है कैंडिडेट्स की। सेकेंड नेक्स्ट क्या दिया हुआ है इसमें, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन मीन्स ये किस टाइप का एग्जामिनेशन है, तो ये है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेक्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, तो स्टेट लेवल है जैसे कि महाटीईटी महाराष्ट्र, उसके नाम में महाराष्ट्र है तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये एक स्टेट लेवल टेस्ट है। ऑर्गेनाइजिंग बॉडी, इसका ऑथोरिटी कौन है, ये एग्जाम कौन कंडक्ट करता है, तो ये कंडक्ट कौन करती है, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग। ये जो महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग है ये महाराष्ट्र टीईटी को क्या कंडक्ट करती है। नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन मोड मीन्स इसका एप्लीकेशन किस तरह रिलीज होता है और किस तरह हमें भरना रहता है, तो इसका एप्लीकेशन जो प्रोसेस रहता है वो पूरी तरह ऑनलाइन मोड में रहता है। मीन्स इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन रिलीज होगा, हमें ऑनलाइन ही उसे भर के हमें सबमिट करना रहेगा। इसका नेक्स्ट एग्जामिनेशन मोड मींस जो एग्जाम है वो किस तरह होगा, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो इसका जो एग्जाम होता है वो ऑफलाइन मोड में होता है। और पीपीटी मींस पेन पेपर टेस्ट ये रहता है, पेन पेपर बेस्ड रहता है, हमें ऑफलाइन एग्जाम सेंटर हमें अलॉट किया जाता है, वो एग्जाम सेंटर में जाके हमें उसे एग्जाम देना रहता है। जो एग्जाम का ड्यूरेशन है, जो एग्जाम पीरियड है, कितने टाइम तक हम एग्जाम दे सकते हैं, तो वो है हमारा 3 आवर्स। नेक्स्ट यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखाई दे रही होगी कि जो महाटीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, वो है महाटीईटी.in, ये महाराष्ट्र टीईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे यहाँ थोड़ा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा MHTT क्विक लिंक्स। अब जैसे कि किसी को महाराष्ट्र टीईटी के किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और डीप में डिटेल में जानना रहेगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इंपॉर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन फॉर्म, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, कॉन्टैक्ट नंबर, प्रिपरेशन टिप्स, हर चीज़ यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप किसी एक चीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं, जैसे कि आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं पर आपको अभी इसका प्रिपरेशन चालू करना है, तो आप यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है इसके सामने यहाँ पे क्लिक है जो लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा महाराष्ट्र टीईटी का सिलेबस जो भी लेके सिलेबस रहेगा वो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे प्रिपरेशन टिप्स में आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करने से एक नया आर्टिकल ओपन हो जाएगा प्रिपरेशन टिप्स का, वहाँ पे आपको टिप्स दी हुई गई होगी कि आप महाराष्ट्र टीईटी के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी हर चीज़ वहाँ पे बताई होगी। और हाँ, अगर आप महाराष्ट्र टीईटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हो चुकी है, या आप एप्लीकेशन फीस भर रहे हैं आपको कुछ प्रॉब्लम फेस हुई है, तो हम डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट महाराष्ट्र टीईटी के लिए एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे भी आपको लिंक दिख रही है, ये लिंक में जाके आप महाराष्ट्र टीईटी से कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप उन्हें बता सकते हैं, तो एज सून एज पॉसिबल वो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अभी हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे इसके महाटीईटी के इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है कि इसके जो डेट्स है उसके बारे में बताया हुआ है। तो जैसे कि आप जानते हैं महाटीईटी एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज ज़्यादातर यहाँ पे नवंबर में होता है, उसके बाद फाइनल डेट टू अप्लाई बताया, लास्ट डेट बताया गया एप्लीकेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड डाउनलोड बताया गया, एग्जाम डेट, आंसर की, रिजल्ट, स्कोर कार्ड एंड सर्टिफिकेट। तो ये सब जो है ज़्यादातर जो महाटीईटी का एग्जाम होता है वो जनवरी में ही होता है मोस्ट प्रोबेबली। फिर नेक्स्ट आते हैं हम एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स एप्लीकेशन फॉर्म में यही बताना चाहूँगा कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं महाराष्ट्र टीईटी के लिए, तो उसे भरते टाइम बहुत ही आपको सावधान रहना होगा। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी फेक डिटेल्स भरते हैं या कोई भी गलत डिटेल्स बाय मिस्टेकली या जानबूझ के आपसे भरी जाती है अगर एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आपने आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपके नाम में या आपके डेट ऑफ बर्थ में कोई भी मिस्टेक कर दी, तो आपको उससे बाद में प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकता है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपसे बहुत सारी डिटेल पूछी जाएगी, जैसे कि आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपके IAS क्वालिफिकेशन, आपका फोटो अपलोड करने कहा जाएगा, सिग्नेचर अपलोड करने जाएगा, हर एक चीज़ आपको यहाँ पे कही जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टेप्स भी दिया हुआ है कि आप किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे दिखाया कि सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना रहेगा, वहाँ पे आपको लिंक के लिए सर्च करना रहेगा। अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप बेल आइकन भी बटन भी दबा के रखिए, और यह महाराष्ट्र टीईटी एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल में बना के डाला हुआ है, आप चाहे तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। उसमें डिटेलली बताया हुआ है कि आप जो फोटो अपलोड करेंगे वो कितने साइज का होना चाहिए, कितने KB से कितने KB का होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं एप्लीकेशन
फीस के ऊपर, मीन्स महाराष्ट्र फीस के ऊपर। अगर आप महाराष्ट्र टीटी के एप्लीकेशन फॉर्म भर चुके हैं तो उसके बाद आपको फीस भी भरना रहेगा। तो फीस अगर आप सिर्फ पेपर वन या पेपर टू किसी एक पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप बिलोंग करते हैं ओबीसी एसबीसी या ओपन या VJNT कास्ट है, तो आपकी फीस रहेगी 500 पर सिर्फ कोई एक पेपर के लिए, या तो पेपर वन या पेपर टू के लिए। और हाँ, अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो रहेगी फीस 800। और अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी या डिफरेंशली एबल पर्सन हो आप, मीन्स आप हैंडीकैप्ड हो, तो आपकी जो फीस है वो रहने वाली है फॉर पेपर वन या पेपर टू किसी भी एक पेपर के लिए 250 रुपीज़। और अगर आप दोनों पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस रहेगी 400, यानी कि 400 रुपये। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट महा टीईटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एलिजिबल भी उसके लिए होना ज़रूरी है। अगर आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और आप एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेबल पर्सन नहीं रहेंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की भी मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिंक डाल दूंगा, वो लिंक पर जाके आप इसका और डिटेल में जो इसके आर्टिकल है वो पढ़ के और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। जैसे कि यहाँ पे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि महा टीईटी के लिए कैंडिडेट इंडियन होना ज़रूरी है। मीन्स अगर आप ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो क्या है कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है, आप सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। फिर उसके आगे और भी बहुत सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए, आप यहाँ पे देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आके लिंक में जाके इसे और आप और डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न के ऊपर, महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम पैटर्न। तो जो महाराष्ट्र टीईटी का एग्जाम पैटर्न है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हो अभी आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो एग्ज़ाम देने के लिए आपको अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करना है, आपको अपने ग्रेड्स हाई लाना है, तो उसके लिए आपका एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम पैटर्न पता रहेगा तो उसके हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन आप कर सकते हैं महा टीईटी के लिए। तो सबसे पहले आप क्या दिया हुआ है कि जो टोटल क्वेरीज जो रहती है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं महाराष्ट्र टीईटी में, वो MCQs टाइप रहते हैं और जो ड्यूरेशन रहेगा उसका वो 2 hours 30 minutes रहता है। और हर एक क्वेश्चन का एक मार्क्स रहता है, एक क्वेश्चन जो रहता है वो एक मार्क्स का रहता है। अगर आप राइट आंसर देंगे तो आपको एक मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर देंगे तो यहाँ पे माइनस मार्क्स नहीं होंगे, मीन्स रॉन्ग आंसर्स के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेपर वन और पेपर टू के लिए अलग अलग टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, मीन्स दोनों पेपर का यहाँ पे टेबल में आपको सब्जेक्ट के मार्क्स, सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस यहाँ पे बता दिए और मार्क्स बता दिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लैंग्वेज वन है, तो लैंग्वेज वन में ये इतनी लैंग्वेजेस आती है, इसमें तो आप कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और लैंग्वेज वन कितने मार्क्स का, कितने उसमें क्वेश्चन रहेंगे, 30 क्वेश्चन रहेंगे, मीन्स 30 MCQ। और 30 MCQ कितने मार्क्स के रहेंगे, 30 मार्क्स के। मैंने अभी अभी आपको ऊपर बताया कि एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, मीन्स 30 MCQ 30 मार्क्स के। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया। अगर आपको एग्जाम पैटर्न भी और डिटेल में चाहिए तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हो मेरे चैनल पे, या तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में चले जाए, वहाँ पे डिटेल में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा एग्जाम पैटर्न के ऊपर। नेक्स्ट आ जाते हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ाई क्या करेंगे, इसलिए आज सिलेबस जानना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स, एनवायरमेंटल स्टडीज, चाइल्ड डेवलपमेंट, लैंग्वेज और लैंग्वेज, यहाँ पे सबके सिलेबस आपको बता दिए गए हैं। मेन मेन जो टॉपिक्स पूछते हैं एग्जाम में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो आपको इसमें बता दिए गए हैं। फिर यहाँ पे आपको एक लिंक दिखेगी ऑल्सो रीड के, यहाँ पे महाराष्ट्र टीईटी एग्जाम प्रिपरेशन बुक्स, ये एक ऐसा आर्टिकल है जहाँ पे आपका महाराष्ट्र टीईटी के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप चाहें तो मैं इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो जो ये आर्टिकल आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में से, और यहाँ पे ये आर्टिकल में आप जा सकते हैं। इसमें आपको महाराष्ट्र टीईटी की जो इंपॉर्टेंट बुक्स है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप वो बुक्स बाय कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रिपरेशन और अच्छी तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड रिजल्ट आंसर की दिखाई दे रहा है। तो जैसे यहाँ एडमिट कार्ड आपको बताया है कि जब भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला रहता है उसके 2 weeks या 1 week बिफोर उसका एडमिट कार्ड रिलीज होता है, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और हाँ बेल आइकन भी प्रेस करके रखिए, ताकि अगर महाराष्ट्र टीईटी की ऐसी कोई भी अपडेट आती है जैसे कि एडमिट कार्ड रिलीज या आंसर की रिलीज, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज, तो हम वीडियो के माध्यम से आपको तुरंत नोटिफाई कर पाए।
नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में प्रिपरेशन टिप्स दी हुई है थोड़ी सी, और यहाँ पे भी देखिए, फॉर एनी असिस्टेंट गो थ्रू महाटीटी कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन नंबर। तो जब ये इसकी लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में देने वाला, मैंने आपको बता दिया, अगर आप ये पूरे प्रोसेस में अप्लाई करते हैं, कहीं भी फंस जाते हैं या कहीं भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम फेस होती है, तो आप पर्टिकुलर ये आर्टिकल पर जा सकते हैं, या ये लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा, उस पर क्लिक करके आप एक नए आर्टिकल पर पहुँच जाएंगे, जहाँ पे महाराष्ट्र टीसी के ऑफिशियल को कॉन्टैक्ट करने के लिए हमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिससे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका ऑफिशियल एड्रेस, यहाँ पे टोल फ्री नंबर दे दिया, उनका ईमेल आईडी, हर एक चीज़ दे दी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको ये वीडियो से पूरी जानकारी मिल चुकी है कि महाटीटी के लिए किस तरह अप्लाई करना है, महाराष्ट्र टीटी क्या होता है, हर एक चीज़, और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रह गया, आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।